आसिफ खान को SRH ने जाने कैसे दिया? उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है रवि शास्त्री। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि सनराइडर हैदराबाद को IPL नीलामी से पहले स्पिनर राशिद खान को रिलीज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, आप उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं। शास्त्री ने आगे कहा, वह राशिद इस सीजन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हो सकते हैं, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पता नहीं क्यों उसको जाने दिया गया। अगला है IPL 2022 में सबसे कम टोटल पर ऑल आउट हुई KKR, RCCB को मिली पहली जीत। RCB ने बुधवार को KKR को 3 विकेट से हरा कर IPL 2022 में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इससे पहले KKR पहले बल्लेबाज करते हुए 128 रन पर ऑल आउट हो गए थे, जो अब तक इस सीजन में सबसे कम टोटल है। RCB के स्पिनर हसरंगा ने 4 विकेट जबकि आकाशदीप और हर्षल पटेल ने क्रमशः 3 और 2 विकेट ही लिए हैं। बल्ले के बीच में गेंद लगने के बावजूद LBW के लिए DRS लेने पर ट्रोल हुई RCB। KKR के वरुण चक्रवर्ती के बल्ले के बीच से गेंद लगने के बावजूद LBW के लिए DRS लेने को लेकर RCB को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है। एक यूजर ने व्यंग करते हुए ट्वीट किया, RCB ने दशक का सर्वश्रेष्ठ रिव्यू लिया। एक अन्य यूजर ने लिखा, सिराज किसी को भी DRS लेने के लिए मना सकते हैं। KKR के खिलाफ पहले गेंदबाजी करेंगे RCB, फ्लाइंग 11 आए सामने। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में IPL 2022 के 6th मैच में RCB ने KKR के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। KKR ने पेसर शिवम मावी की जगह टीम साउथ को टीम में शामिल किया है। IPL 2022 में अपना पहला मैच हारने वाली RCC ने अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। राजस्थान के फील्डिंग कोच ने चहल ने की लगाया 10 की पेप्सी, यूजी भाई सेक्सी का नारा। राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल ने 10 की पेप्सी यूजी भाई सेक्सी का नारा लगाते हुए फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक का वीडियो शेयर किया है। फ्रेंचाइजी ने वीडियो को कैप्शन दिया है, पूरे ने नारा स्टेडियम से ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। चहल ने 4-0-22-3 के गेंदबाज आंकड़े दर्ज किए और राजस्थान रॉयल ने SRH को 61 रन से हराया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए IPL न्यूज़ के साथ। आज के लिए बस इतना, जय हिंद, जय भारत।